मित्रों, तुम सब माँ और सेविकाओं का ध्यान रखो। मैं और पिताश्री इन राक्षसों का ध्यान रखते हैं। पुत्र हनुमान, तुम्हें जो युद्ध शिक्षा दी थी उसके अभ्यास का समय आ गया है। आज पहली बार हम पिता पुत्र मिलकर व्यवहारिक अभ्यास का आनंद लेते हैं। हाँ पिताश्री, आज तो बड़ा ही आनंद आएगा। तुम वानरों को तो युद्ध शिक्षा हम देंगे। अच्छी तरह से। हनुमान, गदा प्रहार करो। ज्ञात है पिताश्री ने कहा गदा प्रहार, तो बस मेरे एक गदा प्रहार से वो धरती में ही समा गया और शेष राक्षस तो मेरी गदा से कंदुक की भांति उछल रहे थे। नानी, इतना आनंद आया कि पहले कभी भी नहीं आया। हनुमान, राक्षसों का सफाया तो हुआ ही, तुम्हारी माँ का मुखड़ा भी कैसी प्रसन्नता से खिल उठा है। जब देखो तब दुखी दिखाई देती। माँ की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी पुत्री बड़ी ही भाग्यवान है जो इसे हनुमान जैसा पुत्र और महाराज केसरी जैसा पति मिला। हे ईश्वर, इनका साथ कभी ना छूटे। इनके मुखड़े प्रसन्नता से यूं ही खिले रहे। नानी, मैं माँ की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन एक असुर का अंत कर सकता हूँ। उचित है ना माँ? बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहना। इन सबके खिले हुए मुखड़े मुरझाते हुए नहीं देख सकती मैं। मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकती कि ये मेरे परिवार के साथ मेरी अंतिम रात्रि है। असंभव है मेरे लिए इन्हें छोड़ना। हनुमान हो या केसरी, श्राप की छाया तो उन पर भी पड़ेगी क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। महाराज, प्रणाम। क्या हुआ मंत्री जी, पुनः कोई उपद्रव हुआ क्या? हाँ महाराज, न जाने कहां से अनेकों असुर आ गए हैं। जो आसपास के वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे हैं। ओ,
खुश कर दो, नष्ट कर दो सबको। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भविष्य नहीं देगा देवताओं को। देखो ये सब तुम अनुचित कर रहे हो, भगवान के कार्य में विघ्न डाल रहे हो। कान खोल कर सुन लो मूर्खो, यदि इंद्र और विष्णु के नाम पर यज्ञ किया तो नरभक्षियों के सामने फेंक दूंगा। इसी विषय को लेकर पड़ोसी राज्यों ने सभी राजाओं की आपातकालीन सभा बुलाई है और आपको शीघ्र ही आने के लिए संदेश भी भिजवाया है। ठीक है मंत्री जी, हम अभी चलते हैं। जी महाराज। अंजना तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौटाऊंगा। यदि असुरों का वध करना पड़ा तो एक दिन भी लग सकता है। तुम चिंता मत करो अंजना, मैं शीघ्र ही लौटाऊंगा। पिताश्री, मैं भी तो असुरों का अंत अच्छी तरह से करता हूँ ना, मैं भी चलूँ आपके साथ। नहीं हनुमान, तुम यहीं रुको अपनी माँ के पास। तुम्हारी यहाँ सुमेरु में आवश्यकता है, यहाँ भी तो कोई होना चाहिए। यदि असुर यहाँ आ गए तो तुम उनका अंत कर देना। आपने उचित कहा पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौटाऊंगा। स्वामी, आज रात्रि आप ना जाए तो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्य पर संकट की घड़ी आई हो और तुमने मुझे रोका हो, फिर आज क्या बात हो गई? कोई समस्या है क्या? नहीं, वो बात यह है कि आप अभी अभी इतने बड़े संकट से उभरे हैं। मैं चाहती थी आज रात्रि आप विश्राम कर लेते। अंजना, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं, किंतु मैं एक राजा हूं। राजा को शासक की भांति नहीं, सेवक की भांति अपनी प्रजा के लिए सदैव खड़े रहना चाहिए, कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। सत्य है स्वामी, संकट काल में प्रजा को राजा का ही सहारा होता है। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी क्षण ऐसा लगे कि मेरे कारण आप किसी प्रकार के बंधन में हैं। चाहिए रक्षा कीजिए प्रजा की, ऋषि मुनियों की। अंजना, कुछ तो है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। यदि कोई समस्या है तो हम साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे, किंतु अभी मुझे शीघ्र ही निकलना होगा। कल मैं प्रातः लौटकर इस विषय पर तुमसे अवश्य बात करूंगा। वचन है ये मेरा।
आपने तो वचन दे दिया स्वामी, किंतु आपके वचन को पूरा मैं कैसे कर पाऊंगी? आप जिस प्रातः का वचन दे रहे हैं, न जाने कल वो सुबह होगी भी या नहीं। मैं शीघ्र ही लौटकर तुमसे इस विषय में अवश्य बात करूंगा। अपना और सबका ध्यान रखना, जैसे तुम सदैव रखती आई हो। प्रभु, हे देवेश्वर, ये क्या हो रहा है? आज की अंतिम रात्रि पर भी मेरे स्वामी मेरे साथ नहीं है। उनकी प्रतीक्षा करने का समय भी शेष नहीं बचा। कुछ ही पल में मुझे स्वर्ग जाने के लिए निकलना होगा। बल 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 बल, ये तो महत्वपूर्ण समाचार है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। बल 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 बल, अब ये सूचना शीघ्र ही लंकेश को देनी होगी। बल 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 बल। हे प्रभु, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मेरे भाग्य ने मुझे। अभी अभी तो मेरे परिवार में सुख के दिन लौटे, और अब मेरा बिच्छू, महादेव, मेरा पुत्र, मेरे पति देव, कोई भी सहन नहीं कर पाएगा मेरे बिच्छू को। यदि उन्हें सच्चाई ज्ञात हो गई तो इंद्रदेव से भी युद्ध ठान लेंगे वो। मुझे तो स्वामी को सत्य बताने का अवसर भी नहीं मिला, अन्यथा मैं उन्हें अवश्य मना लेती, समझा देती कि नियति को मानकर ये स्वीकार कर ले। हनुमान को तो कुछ बता नहीं सकती, अबोध है वो, उसका कोमल मन ये सब नहीं सहन कर पाएगा। और यदि ये सत्य छुपाकर चली गई तो पत्नी, माता और पुत्री तीनों के धर्म का उल्लंघन होगा। अब आप ही सही मार्ग दिखाइए देवेश्वर, बताइए मैं क्या करूं। Shiva ya, Om Namah Shiva.
समझ गई माधव कि आप मुझे कौन सा मार्ग दिखाना चाहते हैं। स्वामी, मेरी ये पार्टी, मेरा अंतिम प्रणाम है आपको। नियति के सामने मैं विवश हूं। मां, क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है। मन कुछ व्याकुल सा हो रहा है। माँ के पास चले। विदा का समय आ रहा है। आपको भी मेरा अंतिम प्रणाम। मां, यहाँ क्या कर रही है? हे भगवान, कहीं हनुमान ने पत्र लिखते हुए तो नहीं देख लिया मुझे? यदि हनुमान ने यह पत्र पढ़ लिया तो क्या होगा? प्रारंभिक अक्षर ज्ञान तो हो ही गया है हनुमान। हनुमान, तुम अभी तक जाग रहे हो? वो माँ, नींद ही नहीं आ रही थी। ना जाने क्यों आपके पास आने के लिए मन व्याकुल हो रहा था, किंतु माँ, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ, वो मेरा भी मन व्याकुल हो रहा था, तो मैं भगवान के पास चली आई। हाँ, वही तो। जब मन व्याकुल होता है तब भगवान का ही आसरा दिखाई देता है ना? और मेरे लिए तो मेरे भगवान आप ही हैं माँ, तो मैं चला आया आपके पास। आप क्यों व्याकुल थी माँ? वो कुछ नहीं, तुम्हारे पिताश्री असुरों का अंत करने गए हैं ना, इसलिए। महादेव, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले। पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। यदि किसी दिन
मैं कहीं चली गई और तुम्हारा मन व्याकुल हुआ तो किसके पास जाओगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आप जहाँ जाएंगी मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। हाँ पुत्र, और यदि मैं किसी ऐसे स्थान पर चली गई जहाँ तुम ना आ सके तो जो मैं कह रही हूँ स्मरण रखना, अपने नित्य कर्म नियम से करना। नित्य कर्म के पश्चात पूजा अवश्य करना, अपने बड़ों और गुरुजनों से आशीर्वाद लेना, सबकी आज्ञा का पालन करना, और ध्यान रहे पिताश्री की आज्ञा के बिना भवन से बाहर मत जाना। वो सब तो उचित है, किंतु मैं आपका पुत्र हूँ ना, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाएंगी। और ना ही मैं आपको कहीं जाने दूंगा। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते, इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। अच्छा चलो अब जाओ और सो जाओ। नहीं माँ, मुझे आपके पास ही रहना है, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं है। किंतु पुत्र, यदि तुम नहीं सोओगे तो मैं कैसे सोऊंगी? मुझे भी तो नींद आ रही है ना। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे पहले लोरी सुनाइए, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। जंतु सारे सब नींद से हारे।
कर दी, पुनः सुनाइए ना। तुम्हारी इन नन्ही कोमल उंगलियों को छोड़कर कैसे जा पाऊंगी मेरे लाल? क्षमा करना मेरे लाल, मुझे इतनी शक्ति दी कि हनुमान के समक्ष मेरे अश्रु नहीं निकले। अब नियति को जो करना है सो करे, मुझे स्वीकार है। मेरे प्रिय राजभवन, यहाँ मेरे जीवन की मधुर स्मृतियां जुड़ी हैं। तुम्हारे कोने कोने को अंतिम बार निहारना। नियति का खेल सारा, कल तक मोरे संग जो हर चरे, दोनों का संग मोहे प्यारा, मेरे जीवन प्राण मेरे, मन को अपने तुम संग छोड़ जाओ ना छूटे मोरा अंगना, ना छूटे मोरा अंगना। ये देखो मेरे वस्त्र, कैसी लग रही है मेरी धोती? आप लाल धोती नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। मैं केवल लाल रंग की धोती ही पहनूंगा, लाल रंग की। छोड़े ना छोड़े मुंह से मोरा अंगना, किंतु मेरे सौभाग्य का चिन्ह मेरा मंगलसूत्र। छोटे मोरा अंगना,
छोटे मोरा आंगन मोसे मोरा आंगन मारुति को और भूख लगी है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था, किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था। आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। श्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफन को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें विजय भवा। परिवार को आपके संरक्षण में छोड़कर जा रही, उन्हें हर कष्ट और संकट से सुरक्षित रखना प्रभु। महादेव मुझे शक्ति दीजिए, मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले।
ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम प्रथम बार शुभ समाचार सुनाकर। प्रसन्न किया तुमने लंकेश को, उस वानर बालक से उसकी माँ को दूर कर दिया उर्वशी की ईर्ष्या ने। हे राजभव, तुमने अपने अंक में इतने वर्षों तक मुझे सहेज कर रखा, तुम्हें मेरा अंतिम प्रणाम। वानर बालक से उसकी माँ को दूर कर दिया उर्वशी की ईर्ष्या ने। अब हम तुम्हें इसका पुरस्कार देंगे, अति बल। शुभ समाचार सुनाने के लिए हम तुम्हें पुरस्कार देते हैं अतिबल। तुम्हारा ये जीवन और अशुभ समाचार सुनाने के लिए हम तुम्हें अब दंड देते हैं, यहाँ लटका कर। कौन सा अशुभ समाचार प्रभु? यही के वो वानर बालक निरंतर हमारे महावीर असुरों का अंत कर रहा है। जाओ जाओ और जाकर सुमेरु पर दृष्टि रखो। आगे अभी तुम्हें और बड़े बड़े कार्य करने हैं। और सुनो, भविष्य में ओ अशुभ समाचार ना लेकर आना। बस अब किसी भी क्षण आती ही होगी पुंजिक स्थला। स्वागत है तुम्हारा पूंजीक स्थला। अप्सरा धर्म की विजय का प्रमाण है तुम्हारा स्वर्ग लोक आना। ये पुष्प तुम्हारे स्वागत के लिए और ये नुपुर तुम्हारे पांव की शोभा के लिए। ये लो, पहन लो इन्हें, सुसज्जित हो जाओ। देव सभा में सब तुम्हारे नृत्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हुआ पुंजिक स्थला? अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से सुसज्जित कर देवराज की सभा में लेकर चलती हूँ। तुम्हारे कक्ष को भी मैंने अपने हाथों से ही सज्जित किया है।
चलो। मैं देव संहिता का सम्मान करते हुए स्वर्गलोक अवश्य आ गई, किंतु अब मैं अप्सरा धर्म कभी नहीं अपनाऊंगी। मैं अंजना हूं और अंजना ही रहूंगी, हनुमान की मां अंजना। पुंजिक स्थला कभी नहीं बनूंगी मैं। अब से मैं स्वर्गलोक के मंदिर में ही रहूंगी। माँ होने का दंभ अभी तक नहीं गया सुमेरु महारानी के मन से। अब स्वर्गलोक आ ही गई हो तो एक ना एक दिन अप्सरा धर्म भी अपना ही लोगी। पुंजिक स्थला प्रभु, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं तो नियति के हाथों पे वश हूं, फिर भी अपने पुत्र से बिछड़ने की वेदना सहन नहीं कर पा रही। किंतु मेरा हनुमान तो अबोध, उसकी तो कोई विवशता भी नहीं, फिर वो मेरे विद्रोह की पीड़ा को कैसे सहन कर पाए। उसको क्यों अपनी मां से बिछड़ने का दंड दिया जा रहा है। आपसे बस इतनी विनती है प्रभु, मेरे स्वामी सकुशल लौट आए सुमेरु। अब तो उन्हीं को हनुमान के माता पिता बनकर उसका पालन पोषण करना होगा। उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरी ममता रो रही है, मेरा वात्सल्य विवश है तड़पने के लिए। हनुमान मेरे लाल, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, कर्मूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। मेरे नेत्रों में अश्रु, किंतु माँ आप अभी तक सोई नहीं। माँ भी रात्रि में व्याकुल थी। वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। जय
करती मैया। अब माँ और पिताश्री का आशीर्वाद लेना है। मेरा हनुमान मुझे अवश्य ढूंढ रहा होगा, मेरे बिना तो भोजन भी नहीं करता, और स्वामी मुझे वहां नहीं पाएंगे तो जाने क्या होगा। माँ आप कहाँ हैं? माँ 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 आप कहाँ हैं? इतनी प्रातः माँ कहाँ चली गई? हाँ पिताश्री भी राजाओं के आपातकालीन सभा में गए हैं, किंतु माँ देखता हूँ आप कहाँ हैं? माँ माँ आप कहाँ हैं? माँ आश्चर्य है, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही और नानी भी। रसोई घर में जाकर देखता हूँ। प्रणाम महारानी शची। प्रणाम। ये क्या कर रही हो पुंजिक स्थला? ये स्वर्ग लोक है, यहाँ तुम्हें हाथों से माला गूंथने की आवश्यकता नहीं। यदि इच्छा प्रकट करोगी तो स्वयं ही हाथों में माला प्रकट हो जाएगी। देखो, देखा तुमने क्या आवश्यकता थी इतने श्रम की? क्षमा कीजिए महारानी जी, किंतु प्रभु की सेवा करने के लिए स्वयं के श्रम से बने वस्तु को अर्पण करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी बात भी सत्य है। अब थोड़ा विश्राम कर लो, बहुत विचलित दिखाई दे रही हो। महारानी जी, नारी एक अदृश्य किंतु अटूट धागे से जुड़ी होती है अपने परिवार के साथ, और उस बंधन को कोई नियम कोई भी संहिता नहीं तोड़ सकती। मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया गया है, किंतु मेरा मन तो वही है, इसीलिए विचलित यही सोच रही कि मेरा अबोध पुत्र क्या कर रहा होगा, मेरे बिना भोजन भी नहीं करता वो। कदाचित ही उसके पिताश्री लौट कर नहीं आए होंगे दंड कवन से, जो उसे संभाल लेते। माँ, माँ, आप कहाँ हैं? माँ माँ यहाँ पर भी नहीं है और नानी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लड्डू लगता है माँ ने प्रातः उठ के बनाए होंगे। माँ कितनी अच्छी है, कितना ध्यान रखती है मेरा, किंतु माँ कहाँ है और नानी भी। सुनिए जी युवराज, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है और नानी भी, और पिताश्री भी अभी तक लौटे नहीं हैं क्या? महाराज तो युद्ध के लिए दंडक बन गए हैं, और नानी जी महारानी जी को सुबह से नहीं देखा, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई हैं। धन्यवाद जी युवराज,
अवश्य माँ, नानी के साथ ही होंगी। माँ, माँ यहाँ पर भी नहीं है। अरे युवराज, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, महारानी जी किसी कार्य से बाहर गई होंगी। चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए युवराज। पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। रुक जाइए। क्या हुआ युवराज? मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा। किंतु युवराज, आप अभी छोटे हैं ना? नहीं, अब मैं युवराज हो गया हूँ। माँ भी कहती है मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। आप अपना कार्य कीजिए, मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा। ठीक है। यहाँ स्वर्ग में किसी प्रकार के दुख का आभास नहीं होता किसी को, किंतु मैं पुत्र बिछो का दुख समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि संतान उसकी माँ का ही अंश होती है। माँ और संतान भले ही कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, आत्म रूप से अवश्य जुड़े होते हैं। माता पिता के सुख दुख से उसकी संतान भी प्रभावित होती है। आप सत्य कह रही हैं महारानी जी। तो क्या तुम चाहती हो तुम्हारा पुत्र दुखी रहे? अगर तुम दुखी रहोगी तो तुम्हारे दुख की छाया तो तुम्हारे पुत्र पर पड़ेगी ही। हनुमान के सुख के लिए तुम्हें अपने मन से दुख को दूर करना होगा पुंजिक स्थला। थोड़ा विश्राम कर लो, मन हल्का हो जाएगा। जी महारानी जी। पुत्र हनुमान, मुझे क्षमा करना मेरे लाल। सखा, तुमने देखा, यदि मैं स्वयं तैयार होऊंगा तो माँ कितनी प्रसन्न हो जाएंगी ना। सखा, अब मैं तुम्हें भी स्नान कराऊंगा। तो अभिषेक के दिन वाला आभूषण है। लाइए युवराज, मैं पहना देती हूँ अच्छे से। नहीं, आप अपने कार्य कीजिए, मैं स्वयं पहन लूंगा इसे। ठीक है।
आपने तो सब कुछ स्वयं ही कर लिया आज। हाँ, अब तो माँ भी प्रसन्न होंगी ये देखकर। हाँ, चलिए अब भोजन कर लीजिए। पहले माँ को तो आने दीजिए, मैं माँ के साथ ही भोजन करूँगा। युवराज, ये देखिए लड्डू, महारानी जी ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है, इन्हें तो खा लीजिए। ना जाने क्यों ये लड्डू भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब माँ अपने हाथों से खिलाती है तब इसका आनंद ही कुछ और होता है, किंतु ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें माँ का प्रेम नहीं होता है। नानी, आप अकेली हैं? माँ कहाँ है? होगी यहीं कहीं, मैं तो नदी पर जलांजलि देने अकेली ही गई थी। फिर कहाँ चली गई माँ? प्रातः से ही नहीं दिखाई दे रही है, मुझे लगा कि वो आपके साथ होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कल अंजना का हरण करने का प्रयास किया था राक्षसों ने, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, भगवान करे वो सुरक्षित हो। कहीं माँ किसी संकट में तो नहीं? कहाँ चली गई माँ? प्रातः से ही नहीं दिखाई दे रही है। हनुमान, वो मंदिर गई होंगी, आ जाएंगी कुछ समय। मंदिर? मैं अभी जाकर देखता हूँ। हनुमान सुनो, कहाँ जा रहे हो? पुत्र सुनो, हनुमान। हनुमान यहाँ मंदिर में? प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम ललिता अम्बे। माँ, माँ आप कहाँ हैं? माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रणाम युवराज। प्रणाम। आपने माँ को कहीं देखा है? युवराज, महारानी जी मंदिर में नहीं आई। धन्यवाद। माँ तो भवन में भी नहीं थी और मंदिर में भी नहीं है, अब कहाँ ढूंढूं माँ को? बंधु, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हाँ, इसीलिए तो ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है सुमेरु का। सुनिए। प्रणाम युवराज। प्रणाम। आपने माँ को कहीं देखा है? नहीं युवराज, हमने महारानी जी को नहीं देखा। यहाँ नहीं आई माँ, भवन में भी नहीं है, फिर कहाँ गई होंगी? सुनिए, क्या आपने माँ को कहीं देखा है कि वो कहाँ है? नहीं युवराज, मैंने नहीं देखा। प्रणाम। कहाँ जा सकती है माँ, कहाँ होंगी वो? अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? देवराज, असुरों का अत्याचार भले ही बढ़ रहा हो किंतु उनके सहार के लिए भी सब प्रयासरत हैं। पृथ्वी लोक पर राजाओं की सभा हुई, सबने एक साथ असुरों के विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया है।
क्या हुआ उर्वशी? तुम एकाएक यहाँ? कोई विशेष कारण? पुंजिक स्थला आपका, स्वर्ग का और स्वर्ग के वासियों का अपमान करने पर तुली हुई है। क्या उसे स्वर्ग के नियमों का कोई भय नहीं? उर्वशी, स्वर्ग के नियमों का पालन करके ही तो पुंजिक स्थला स्वर्ग वापस आई है। किंतु वो जीत तो अभी भी सुमेरु के ही ध्यान में रही है। अभी भी वो संसार के नश्वर बंधनों के मोह में पड़ी हुई है। स्वर्ग को तो वो तुच्छ समझती है। ये स्वर्ग का और हम सब का अपमान है देवराज। उर्वशी, पुंजिक स्थला अभी अभी अपना परिवार छोड़कर आई है। उन संबंधों की स्मृतियों को भुलाने में उसे कुछ समय तो लगेगा ही ना, किंतु एक दिन उसे यह आभास हो ही जाएगा कि स्वर्ग में आपसी संबंधों का कोई मूल नहीं है, और तब पुंजिक स्थला सब कुछ भूलकर अपना अप्सरा धर्म अपना लेगी। तो क्या तब तक आप स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन होते देखते रहेंगे और आपके साथ हम सब भी अनर्थ देखते रहे? नहीं उर्वशी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। स्वर्ग के नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा। यहां मेरे नियम चलते हैं और वो सबको मानने ही होंगे। देवराज, स्वर्ग लोक में किसी को विवश नहीं किया जा सकता। सबको अपना जीवन अपनी इच्छा से बिताने का अधिकार है, और पुंजिक स्थला तो हनुमान की मां है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि माँ कहाँ है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। माँ, माँ आप कहाँ हैं? अब कहाँ ढूंढूं माँ को? माँ, माँ कहाँ हैं आप? ये ध्वनि, फिर वही ध्वनि। माँ और पुत्र का संबंध संसार के सभी संबंधों में उच्च, श्रेष्ठ व पवित्र है। किंतु देवगुरु, नियमों का पालन तो सबको करना ही चाहिए। माँ की ममता किसी भी नियम या संहिता के बंधन में नहीं बन सकती है देवराज। और आप ये मत भूलिए कि अंजना के स्वर्ग लोग आने से उसके परिवार का विनाश हो सकता है। ये जानते हुए भी अंजना आपकी बात का मान रखते हुए परिवार को छोड़कर यहां चली आई। आपको उसे स्वर्ग लोक के नियमों से मुक्त कर देना चाहिए। कहीं ये माँ तो नहीं?
आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको तो ज्ञात ही है ना कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे सब ज्ञात है मेरे लाल, किंतु मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए ही आई थी। मेरे लिए? किंतु क्यों माँ? तुम्हारे लिए, ये रुद्राक्ष लाने के लिए। रुद्राक्ष? ये तो मुझे बहुत ही प्रिय है माँ। ये हनुमान भी ना एकाएक चला गया, ठीक से कुछ खाया भी नहीं। महारानी जी के लिए बहुत चिंतित थे युवराज। चिंता तो मुझे भी थी, किंतु आ जाएगी, यहीं कहीं गई हो। आ गई महारानी जी। अंजना, तुम नहीं थी तो हनुमान ने तो पूरा भवन ही सर पे उठा लिया था। कहाँ चली गई थी तुम प्रातः से? माँ, मैं किलेश्वर मंदिर गई थी हनुमान के कुछ काम के लिए, है ना हनुमान? हाँ नानी जी, माँ मेरे लिए ही गई थी वन में। अच्छा, और नानी, सब तो बड़ा उतावला हो रहा था माँ के बिना, अब उन्हीं का पक्ष ले रहा हूँ। रुको अंजना, हर दिन तो तुम प्रसाद और आरती देती थी, आज तुमने ना प्रसाद दिया ना आरती लेने दी। क्या हुआ है, आज तुम आशीर्वाद लेना भी भूल गई? हनुमान, चलो खेलने चलते हैं। हाँ, चलो चलो, चलो। माँ, मैं मेरे मित्रों के साथ खेलने जा रहा हूँ। नहीं, आज हनुमान खेलने नहीं आएगा, तुम सब जाओ। आज हनुमान अपनी माँ के साथ ही रहेगा। चलो। हाँ, आज हनुमान की अनुपस्थिति में ही खेलते हैं। ये आज माँ को क्या हो गया है, पहले तो कभी माँ ने ऐसा नहीं किया। मुझे बाहर नहीं जाने देती थी तो मेरे मित्रों को भी यहीं खेलने के लिए कह देती थी, परंतु आज
स्वामी, क्या हुआ आपको? देखा है मैंने, पूरी लंका को जलते हुए देखा है मैंने। एक ऊंच जिससे अग्नि निकल रही थी और करोड़ों जलते हुए तीरों का आक्रमण देखा है मैंने। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, मात्र स्वप्न ही तो था। नहीं महारानी, आप समझ नहीं रही, ये सपनों का भी एक अर्थ होता है जो हमारे भूत वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़े होते हैं। हमारे भाग्य और दुर्भाग्य से इनका संबंध होता है। हनुमान स्वयं ही सचेत हो गया। हाँ नानी, माँ किसी कार्य में व्यस्त थी ना, इसीलिए मैं आज भी स्वयं सचेत हो गया। अब हमारा हनुमान बड़ा जो हो गया है। हाँ, अपने कार्य स्वयं करने योग्य तो हो ही गया है। माँ, मैंने सारे नित्य कर्म कर लिए हैं और स्नान भी कर लिया है, अब आरती करें। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, महाराज केसरी आ चुके हैं। पिताश्री, माँ हम पिताश्री के पास चलें। हाँ चलेंगे, पहले आरती तो कर ले। माँ, पिताश्री आ गए हैं। जब वो होते हैं तब हम सब साथ मिलकर ही आरती करते हैं ना, तो मैं उनके पास चलकर उन्हें बुलाने को कह रहा था। हाँ तो मैं भी तो वही कह रही थी, चलते हैं पिताश्री के पास। पिताश्री, you
दशानन लंकेश की जय हो। जय जय लंकेश, जय जय लंकेश। शीघ्र ही बताओ मेरे स्वप्नकार। एक पल में हो जाएगा ज्ञात, कह दे अपने स्वप्न की बात। योगिनी, मैंने रात्रि एक भयानक स्वप्न देखा। जीवन के लिए अभय दान दे लंकेश। तो बताऊं, आपके स्वप्न का संकेत क्या है? अभय दान दिया, अब निश्चिंत होकर बताओ। जो भी हो, जैसा भी हो, स्पष्ट कहो, क्या है मेरे इस भयानक स्वप्न का अर्थ? चलता हुआ अग्निबाण, काल का अचूक बाण, इस काल बाण से हो जाओ सावधान। जो बढ़ रहा है लंका और लंकेश की ओर, रहो काल से बच के। बंद करो ये प्रलाप, लगता है तुम्हारी स्वप्न दृष्टा सिद्धि नष्ट हो गई है। क्षमा करे लंकेश, स्वप्न का यही अर्थ है। आज तक काल के बाण से कोई नहीं बच पाया है दशानन। काल को तो अब बचना होगा मुझसे। काल बाण छीन लूंगा मैं उससे। आज ही काल के यमलोक पर आक्रमण करूंगा मैं। पिताश्री, माँ, आपने पिताश्री को तिलक क्यों नहीं लगाया? हाँ, वो तुम्हारे पिताश्री सकुशल लौट आए, उसकी प्रसन्नता में मैं तिलक लगाना भूल ही गई। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। इससे खेलने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। पिताश्री, आप वहाँ गए थे, राक्षसों का उपद्रव, वो ऋषि मुनियों को तंग कर रहे थे, उनका क्या हुआ? हाँ पुत्र, उन सभी राक्षसों का अंत कर दिया हमने, और जो छुपे हैं वो भी बच नहीं पाएंगे। आप
दोनों हो, आप दोनों भी ना, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। आप जाकर स्नान कर लीजिए, साथ में आरती भी तो करनी। हनुमान, हनुमान उद्यान में चल रहे हो ना? हनुमान, हनुमान मित्रों ये देखो। अरे वाह कंदुक, पिताश्री मेरे लिए ये कंदुक लाए हैं। चलो हम इससे खेलते हैं। ओहो हनुमान, इससे हम खेलेंगे किंतु तुम मत फेंकना, अन्यथा ये अंतरिक्ष में चला जाएगा। फिर तुम्हारे अतिरिक्त कौन ढूंढ पाएगा? अच्छा तो ये होगा कि हम कंदुक फेंकेंगे और तुम ढूंढोगे। अच्छा तो ठीक है, ये लो मित्र नील। ठीक है। कंदुक को इतनी दूर फेंका कि वो नीचे ही नहीं आ रही है, इतनी शक्ति तुम में कहां से आई? वो कंदुक उस वृक्ष पर अटक गई है, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो और स्वयं प्रयास करो। हनुमान तुम अकेले इस वृक्ष को उखाड़ दो। ये क्या कह रहे हो मित्र सुषेण, इस वृक्ष का क्या दोष? वैसे भी हमें वृक्ष को कभी नहीं उखाड़ना चाहिए, और माँ भी कहती हैं कि छोटे छोटे कार्यों के लिए दिव्य शक्तियों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हनुमान का कंदुक वृक्ष पर अटक गया है, इसलिए उतारने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान में रख लो, हनुमान तुम्हारे युवराज हैं, इसलिए अब से जब भी उनका नाम लेना हो तो उनको युवराज हनुमान कहना। अपनी मर्यादा तुम सबको समझनी चाहिए। किंतु माँ, हनुमान तुम उड़कर अपनी कंदूक नहीं ला सकते थे? अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया तुमने? तो वचन दो अपनी माँ, तो मात्र दिखावे के लिए सबके सामने नहीं करोगे। किंतु माँ आपने ही तो कहा था कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग मत करना। हाँ किंतु अब तुम युवराज बन गए हो, अब तुम कर सकते हो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग। अब हनुमान, युवराज हनुमान ये अब अपनी दिव्य शक्ति से कंदुक उतार सकते हैं? हाँ किंतु उसके लिए तुम सबको तुम्हें सम्मान के साथ इनसे प्रार्थना करनी हो, और हनुमान को भी पूरा अधिकार है कि वो जब चाहे अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हनुमान तुम तो एक फूंक से ही इस वृक्ष को हिलाकर उस कंदुक को नीचे ला सकते हो,
करके दिखाओ, दिखाओ। उचित नहीं किया। तुम युवराज हो हनुमान, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हारे लिए सब उचित है। चलो अब तुम सब जाओ, अब हनुमान को विश्राम करना है। अब हम चलते हैं। और हाँ, हमें ना तो कभी अपने विजय का अहंकार करना चाहिए और ना ही अपने हार के सामने हार माननी चाहिए। माँ, आप ही तो कहती थी कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और साधारण मनुष्य की तरह रहना चाहिए। साधारण प्रजा साधारण मनुष्य की भांति जीती है। तुम तो युवराज हो, बड़े होकर तुम राजा बनोगे तो ये प्रजा तुम्हारे अधीन होगी। इसीलिए तुम्हें युवराज होने पर गर्व होना चाहिए। माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? पहले तो माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा। चले चलिए माँ। महारानी जी के कक्ष में पहुंचाना है संदूक। हाँ, महारानी जी ने ही मंगवाया था। महारानी जी, आपके नए वस्त्रों का संदूक आ गया है। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि इसमें नए वस्त्र हैं? महारानी जी, मैं वो मेरे कहने का अर्थ है, तुमने इसे खोलकर देखा है क्या? नहीं महारानी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाह रही। मैं तो बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि इस भवन में पूछे बिना किसी भी वस्तु को हाथ मत लगाना और विशेष रूप से मेरी किसी वस्तु को छूना। समझ गई ना? जी महारानी। जाओ और सुनो। जी। जाते हुए पट बंद कर कर जाओ। जी महारानी जी।
एकाएक क्या हो गया है महारानी जी को, विचित्र सा व्यवहार कर रही है। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकाएक इतनी परिवर्तित कैसे हो गई महारानी जी। इन्हें भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, हुआ क्या है अंजना को? कदाचित तुम? हाँ मैं, बलबला बलबल, मैं हूँ अतिबल। ना ना, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भयभीत और मैं भयभीत होती होगी वो अंजना। मैं मार्जरिका हूँ, मार्जरिका। मुझे स्वयं ही अंजना से बात करनी होगी। किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कक्ष में? सुमेरु में लंकेश रावण के आदेश का कितना पालन हो रहा है, इसकी विस्तृत सूचना मुझे लंकेश तक पहुँचानी है, इसलिए मैं यहाँ। मार्जरिका ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है, ये संदेश पहुंचा देना लंकेश तक। जब से राक्षसों ने अंजना का अपहरण करने का प्रयास किया है, तब से ही अंजना में परिवर्तन आया है। तुमने हनुमान के भीतर षड विकार जगाने का कार्य आरंभ किया या नहीं? मैंने कहा ना, मार्जरिका ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। मैंने हनुमान के अंदर मत का भाव विकसित करना आरंभ कर दिया है, और मुझे इस बात का भी आभास है कि मत के साथ लोभ, क्रोध, मोह और मत्सर, ये भाव भी विकसित करने हैं हनुमान ने। प्रतीत होता है कि माँ मुझसे अप्रसन्न है। माँ के पास जाता हूँ। बहुत अच्छा, किंतु लंकेश का है ये भी आदेश है कि केसरी का अंत करना होगा। हनुमान की माता अंजना अंजना तो स्वर्ग चली गई, और अब उसके पिता केसरी, उन्हें भी स्वर्ग पहुंचाना है, क्योंकि क्योंकि माता पिता से बिछड़ी संतान पर षड विकार सरलता से काम करते हैं। इन सारे विकारों के अधीन होकर हनुमान किसी भी कार्य के योग्य नहीं रहेगा, और उसका जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। ये क्या हो गया है अंजना को, आज द्वार क्यों नहीं खोल रही है? अंजना, 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 पुत्री अंजना। क्या हुआ माँ? तुमने द्वार क्यों बंद कर दिए थे अंजना? माँ, माँ, क्या हुआ पुत्र? माँ, आप मुझसे रुष्ट हैं क्या? नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। तो फिर आप मेरे मित्रों से रुष्ट हैं क्या? मैं किसी से भी रुष्ट नहीं हूँ। सेविका। जी महारानी जी। सेविका, हनुमान के खिलौने यहाँ लेकर आ जाओ। जी महारानी जी। माँ, आप कुछ कह रही थी? हाँ, कुछ कहना तो था, पर क्या स्मरण ही नहीं होता। कोई बात नहीं, स्मरण आ जाएगा तो बता दीजिएगा। हनुमान,
तुम अपने खिलौनों के साथ खेलो, माँ को बहुत सारे काम है। माँ आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ दिखाना है आपको। सखा, कभी कभी माँ कहती है कि अपने खिलौनों से मत खेलो, तुम बड़े हो गए हो। किंतु कभी कभी माँ कहती है कि खिलौनों से खेलो। ना जाने वहाँ मेरे मित्र क्या सोच रहे होंगे। चलो अब मैं कक्ष में ही खेलता हूँ। जो मुझे अतिबल ने दिया था, किंतु वो असुरों में मिला हुआ है। अतिबल मेरे साथ मिला हुआ है। मैं इसे फेंक ही देता हूँ। हनुमान, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना सुंदर है ये, क्यों फेंक रहे हो इसे? माँ, ये अतिबल का दिया हुआ उपहार है। उसने मेरे साथ छल किया है, इसीलिए मैं इसे फेंक रहा था। उपहार का छल से क्या संबंध? और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पंचफन ने उसे विवश कर रखा हो, जैसे तुम्हारे पिताश्री को विवश किया था और वो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए। अच्छा, हो भी सकता है। और ये भी तो देखो कि वो ही तो तुम्हें पिताश्री के पास ले गया था और तुम उनकी रक्षा कर पाए, है ना? अच्छा लाओ, ये मुझे दे दो। किसी के दिए उपहार का अनादर नहीं करते। अब तुम्हारे लिए मैं जो वो रुद्राक्ष लेकर आई थी, वो कहाँ है? या उन्हें भी फेंक दिया? नहीं माँ, वो रुद्राक्ष तो पूजा घर में है। वो तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी ना, जाओ उन्हें लेकर आ जाओ। जी माँ। बलबल, तो ये है वो उपहार जो तुमने दिया था। अब करना क्या है बलबला बलबल? प्रतीक्षा करो और देखो आगे आगे होता है क्या। कालदेव, दशानन रावण स्वयं तुमसे युद्ध करने आया है। कालदेव साधना में हैं और उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं डाल सकता। कदाचित तुम्हें ये भी आभास नहीं कि दशानन रावण कौन है। रावण।
मृत्यु की देवी को लंकेश दशानन का अभिवादन। मृत्यु से पहले मृत्यु देवी के दर्शन। सौभाग्य है मेरा। जिसे तुम अपना सौभाग्य समझ रहे हो वो तुम्हारा दुर्भाग्य है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो लंका लौट जाओ लंकेश। जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ उसकी पूर्ति करे बिना मैं लंका वापस नहीं जाऊंगा। मृत्यु की देवी, मुझे मेरा बाण चाहिए, मृत्यु का बाण। इसके लिए तुम्हें मेरे हाथों अकाल मरना होगा। मेरे अस्त्रों का तो अंत कर दिया, अब मेरा अंत करके दिखा। तुम्हारी मनोकामना मैं अभी पूर्ण किए देती हूं। रुक जाइए मृत्यु की देवी, आप प्रजापति ब्रह्मदेव का वरदान खंडित नहीं कर सकती। रावण को ब्रह्मदेव का वरदान है। तुम अपना कार्य तो पूर्ण ना कर सकी मृत्यु की देवी, परंतु मेरा कार्य तो पूरा करो। मेरा बाण दो। तुम केवल अपना बाण ले जाकर क्या करोगे? क्या केवल स्वयं ही जीवित रहोगे? अपने समस्त परिवार के मृत्यु बाण लेते जाओ। जो तुम्हारे अंत के लिए अवतरित हुए हैं, उस वानर का क्या करोगे जो प्रतिदिन तुम्हारे राक्षसों का अंत करेगा, और उस मृत्यु योग का क्या करोगे जो नवग्रह तुम्हारी कुंडली में बना रहे हैं? जो मृत्यु की देवी से स्वयं अपना मृत्यु बाण छीन सकता है वो दशानन लंकेश रावण ग्रह को भी अपने अनुसार संचालित कर सकता है। स्वामी, लंकेश अनर्थ करने पर तुला है, वो आपका परम भक्त है, आप ही कुछ कीजिए। देवी, लंकेश जो कर रहा है उससे उसके पापों का ही घड़ा भर रहा है। किंतु स्वामी, उसके इस कृत्य से जगत में उथल पुथल मच सकती है। प्रणाम महादेव। प्रणाम आते। क्या हुआ देवर्षि, आप भी इन देवताओं की भांति
चिंतित दिखाई दे रहे हैं। महादेव, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। रावण के निर्णय को लेकर ही ये सारे देवता चिंतित हैं, और मैं भी चिंता में हूं कि जगत का क्या होगा। कोई भी देवता उसे रोकने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मदेव के वरदान का मान तो सबको रखना ही पड़ेगा देवर्षि, इसलिए सब विवश हैं। विष्णु देव का राम अवतार भी हो चुका है, किंतु वो भी समय से पूर्व रावण का वध नहीं कर सकते। हनुमान भी तो रोक सकते हैं रावण को। हनुमान को भी तो उन्हीं देवताओं से वरदान मिले हैं जिनसे रावण अवध है। वो कैसे रावण को पूर्णतया रोक पाएगा? प्रभु, कुछ तो उपाय करना ही होगा, अन्यथा असमय ही प्रलय मचा देगा रावण। देवर्षि, आप तो महाज्ञानी हैं, आप ही कोई उपाय सुझाइए ना। प्रभु, रावण की शक्ति के समक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवर्षि, आप स्वर्ग ज्ञानी हैं, किंतु मेरे मुख से सुनने की इच्छा है तो सुनिए। आदि शक्ति, महाशक्ति, सबसे बड़ी शक्ति वो है जो सृजन करती है। जगत को प्रलय से बचाने के लिए हनुमान को देवियों के वरदानों की आवश्यकता है। नारायण नारायण। अब मुझे आज्ञा दे। प्रणाम महादेव। प्रणाम माते। मुझे बहुत भूख लगी है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो हम ही देखते हैं कि कोई फल या मिष्ठान है भी या नहीं। अब तो माँ भी लड्डू नहीं बनाती हैं। चलो सखा, ढूंढते हैं। इसे तो पकाकर खाते हैं। कोई फल या मिष्ठान हो तो ढूंढो। ये रहा फल। सखा, तुम रहने दो, मुझे फल मिल गया है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। भूख अभी तक शांत नहीं हुई है हनुमान। भूख तो प्रतिदिन लगती है ना। मैं कोई उपाय बताऊं? वो महाफल, आकाश फल। नहीं नहीं, आप तो रहने ही दीजिए। आपके उपाय ने कैसा उथल पुथल मचाया था, अनुभव कर चुका हूँ, है ना सखा? किंतु हनुमान, ये भूल गए कि उसी उपाय ने तुम्हें कितने वरदान दिलाए। अंत भला सो सब भला।
किंतु आप यहाँ क्या करने आए हैं? पुनः कोई उथल-पुथल मचाने? नारायण नारायण, अरे मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। ये नारद यहाँ क्या कर रहा है? ये अपने दिव्य चक्षुओं से मुझे पहचान सकता है। हनुमान, देवऋषि आप? पिताश्री प्रणाम। प्रणाम देवऋषि। नारायण नारायण, आनंद सदैव बना रहे केसरी जी। आप अकस्मात आए हैं तो हमारे सभा कक्ष को भी अपने शुद्ध कर चरणों से पवित्र कीजिए। अवश्य अवश्य, नारायण नारायण। आइए देवऋषि। ये नारद तो इसी उड़ा रहा है, हम क्या करूं? जय लंकेश, जय लंकेश। नारायण नारायण। जय लंकेश। ये तो अच्छा रहा कि मेरी दृष्टि समय से नारद पर पड़ गई, वरना आज तो भेद खुल ही जाता। बलबल क्या बलबलाबल कर रहे हो? उपाय सोच रहा हूँ माँ जी का, उपाय सोच रहा हूँ। यदि तुम पकड़ी गई होती बलबला बलबल तब क्या होता? कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। बलबला बलबल बलबला बलबल, जब तक तुम सोचोगे ना हमारा भेद खुल जाएगा। नारद की दृष्टि पड़ गई ना तो हमारा बलबला बल ही हो जाएगा। महारानी जी, महारानी जी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। अच्छा सुनो जी, महाराज से कहना कि मैं कुलदेवी के मंदिर जा रही हूँ। बलबला बलबल बलबला बलबल, नारायण नारायण। महाराज की जय हो। महाराज महारानी कुलदेवी के मंदिर गए हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा है। कुलदेवी की कृपा से तो सब मंगल ही मंगल होता है। केसरी जी, आपके सुमेरु राज्य की सुख शांति से ही सबकी शांति जुड़ी हुई है। अर्थात? अर्थात आपको शांति और शक्ति पाने के लिए शक्ति देवी नव दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे सारे संसार में सुख शांति बनी रहे। नारायण जय हो, जय हो। देवर्षि उचित कह रहे हैं, मैं भी महाराज को यही सुझाव देने आया था। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम राजपुरोहित जी। सदा सुखी रहे महाराज। प्रणाम राजपुरोहित जी। कल्याण हो। आसन ग्रहण कीजिए। राजपुरोहित जी, दुर्गा जी के बारे में तो सुना है, किंतु ये नौ दुर्गा जी कौन है? ये देवी दुर्गा जी के ही नौ कल्याणकारी रूप हैं। पुरोहित जी, तब तो आप मुझे विस्तार से बताइए ना नव दुर्गा जी के बारे में। हनुमान, जब यहाँ दिव्य ज्ञान संपन्न देवर्षि स्वयं उपस्थित हैं, तो इनसे अधिक कौन बता पाएगा नव दुर्गा के बारे में? नारायण नारायण। देवर्षि, तो आप ही बताइए ना मुझे नव दुर्गा जी के बारे में। नारायण नारायण। हाँ देवऋषि जी, हमें भी नवदुर्गा की महिमा के विषय में बताकर कृतार्थ करें।
हनुमान को ये जानना और देवी की आराधना करनी चाहिए। रावण ने अवश्य ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया होगा। अच्छा हनुमान, जैसी प्रभु की इच्छा। नारायण नारायण। नौ दुर्गा में प्रथम देवी है शैलपुत्री। देवी सती ने देह त्याग के पश्चात पर्वतराज हनुमान के घर पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वो पार्वती और शैलपुत्री कहलाई, जिनका विवाह देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के साथ हुआ। देवी पार्वती और भगवान शिव, ये तो गणेश जी के माता पिता है ना? नारायण नारायण। हाँ हनुमान, इन्हीं माता शैलपुत्री ने एक बार देवताओं का गर्भ भंग किया था। वो कैसे देवर्षि? मुझे अग्निदेव के अलावा कोई नहीं है इस संसार में। मैं सब कुछ भस्म कर देता हूँ, यहाँ तक कि लौह को भी द्रव में परिवर्तित कर देता हूँ। अग्निदेव, आप पर्वतों को हिला तक नहीं सकते, और मैं वरुण देव क्रोधित होकर वर्षा करता हूँ तो पर्वतों को बहा ले जाता हूँ। देखो, मुझ देवराज इंद्र से शक्तिशाली पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं। मैं तुम सब देवताओं की रक्षा करता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारा राजा हूँ। सुनिए, आप में से कोई इस लकड़ी को उठा के मुझे दे सकता है? हाँ हाँ, मैं उठा देता हूँ। उठ क्यों नहीं रही है? क्या हुआ, नहीं उठ रहा है? अब आप ही उठा दीजिए। आश्चर्य है, ये लकड़ी इतनी भारी। भारी कहाँ है पुत्र, मैं तो सिर पर लिए जा रही हूँ। अब आप उठा दीजिए। हाँ हाँ अवश्य, इसमें कौन सी बड़ी बात।
इतनी छोटी लकड़ी भी आप सब उठा नहीं पाए, और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। क्षमा करें माता, आप साधारण स्त्री तो नहीं हैं। हमें अभिमान हो गया था माता, उसे ही तोड़ने आप पधारी हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माता, अब अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ करें। देवर्षि, मैं सब समझ गया। आपने सूर्यदेव का अभिमान तोड़ने के लिए मुझे आकाश फल खाने भेजा था ना? इस कथा से ये भी सीख मिलती है कि कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। नारायण, नारायण। हाँ हनुमान, अब द्वितीय दुर्गा की कथा सुनो। इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। शिव जी को पाने के लिए जब इन्होंने ब्रह्मचारियों की भांति कठोर व्रत और तप आदि किए, तब इन्हें देवताओं ने ब्रह्मचारिणी नाम दे दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करके साधक मन को स्वाधिष्ठान चक्र में केंद्रित कर लेता है। इनकी साधना से त्याग, सदाचार, ये गुण साधक में स्वतः ही आ जाते हैं। फिर भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हो गया ना? यदि मन में एक लक्ष्य बना लिया तो उसके लिए सतत प्रयास करने पर वह लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। नारायण, नारायण। सत्य है हनुमान। अब तृतीय दुर्गा जी के बारे में मैं बताता हूँ। उनका नाम क्या था देवर्षि? उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा सिंह पर सवारी करती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है, इसलिए इन्हें देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ये 10 भुजाओं में त्रिशूल, तलवार, हर्षा, धनुष, बाण, कमल पुष्प, चलपात्र आदि लिए हैं। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। विध्वंस कर दो इस यज्ञ को, इन ऋषियों के अंग भंग कर दो। रुक जाओ दैत्यों, ये देवी चंद्रघंटा का यज्ञ है, इसमें बाधा डालोगे तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। कौन करेगा सर्वनाश? तुम्हारी चंद्रघंटा देवी? ए, ध्वंस कर दो इस यज्ञ वेदी को। ऐसी ध्वनि से असुरों का अंत होता है ना देवर्षि? मैंने भी डमरू की ध्वनि से उस चक्रासुर का अंत किया था। अच्छा ये बताओ पुत्र हनुमान,
इस कथा से तुम्हें क्या सीखने को मिला? इससे ये ज्ञात होता है कि घंटे, डमरू, शंख आदि की ध्वनियाँ पवित्र होती हैं। ये आसुरी शक्तियों का नाश कर देती हैं। तथा लोगों के कल्याण के लिए सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। देवी चंद्रघंटा की कृपा से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। देवी चंद्रघंटा भक्तों के दुख और बाधाओं का हरण कर लेती है। और अब सुनिए चतुर्थ देवी कुष्मांडा देवी की महिमा। जब सृष्टि नहीं हुई थी, ये संसार नहीं था, तब देवी कुष्मांडा प्रकट हुई थी। कुष्मांडा देव्याय नमः नमः कुष्मांडे नमः। हे कुष्मांडा माता, आप तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं माता। न जाने मुझसे क्या अपराध हो गया माता, जो आप मुझसे रूठ गईं। और मैं इस असाध्य रोग से पीड़ित हो गया हूँ माँ। मैंने आपकी वर्षों आपकी तपस्या की माँ, कि एक दिन आप मुझ पर कृपा करेंगी माँ, और मैं इस असाध्य रोग से मुक्ति पाऊंगा माँ। कृपा कीजिए माँ। ओम कुष्मांडा देव्याय नमः। माता, आपको कोटि कोटि नमन। माते, कुष्मांडा माता की जय हो। कुष्मांडा माता की जय हो। कुष्मांडा देवी की कृपा से साधक का मन अनाहत चक्र में प्रवेश करता है। और अब देवी के पंचम कल्याणकारी रूप कंद माता की व्याख्या करूंगा। कंद माता अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। मैंने हर तरह से उपचार करके देख लिया, अब ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे तो ठीक, अन्यथा अपने पुत्र का ध्यान रखिए। हे भगवान, हे स्कंद माता, कितनी बरसों मैंने आपका तप किया, तब जाकर मेरी गोद हरी हुई। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दूंगी माता। वैद्य जी ने ये औषधि दी है, उन्होंने कहा है इसे पिलाकर देख लीजिए।
मेरा पुत्र। किंतु ये चमत्कार कैसे हुआ? वो माता जी कहाँ गई? माता जी एक औषधि लेकर आई थी, कह रही थी वैद्य जी ने भेजा है। किंतु वैद्य जी ने तो कहा था कोई उपचार नहीं है। तब वो माता? तो स्वयं माता जी आई थी, स्कंद माता। हे माँ, मैं जानती हूँ आप ही आई थी। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। स्कंद माता की कृपा से साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। मानसिक शक्ति ही सच्ची शक्ति है। जब मन हार जाता है तो शरीर भी हार जाता है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। आप कौन सी देवी हैं? मुझे सभी देवियों के बारे में जानना है। नारायण नारायण। धैर्य धरो हनुमान। अष्टम देवी है कात्यायनी देवी। अब इनके अवतार की कथा सुनो। कात्यायनी देवी। मूर्ख साधुओं, बंद करो ये सब। महिषासुर के क्षेत्र में कोई भी पूजा अर्चना नहीं होगी देवी देवताओं की। तुम्हारे देवता हम हैं। मारो। महिषासुर, छोड़ दो इन साधुओं को। सिंह पे सवार तू इन्हें बचाने आई है। असुरों, इसे भी बंदी बना लो। जाओ। जय माता दी। अरे वाह, शक्ति स्वरूपा देवी ने असुरों का अंत किया। इससे यही सीख मिलती है, लोगों का कल्याण ही धर्म है। वसुदेव कुटुंबकम। महिषासुर मर्दिनी की जय। महिषासुर मर्दिनी की जय। आगे सुनो हनुमान जी। इनकी कृपा से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। अब सुनाता हूँ सप्तम देवी कालरात्रि की महिमा। नाम से ही ये भय उत्पन्न करने वाली लगती है। इनके दर्शन और भी भयभीत करने वाले हैं वत्स, किंतु ये महाशुभदायक है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। शुभंकरी। गुरुदेव, ये तो भूत प्रेत उत्पन्न हो रहे हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शिष्यों। भूत प्रेत हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। हम देवी कालरात्रि की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं।
ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम कालरात्रि देव्यै नमः स्वाहा। हे मां कालरात्रि रक्षा कीजिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.